हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज है संडे। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, संडे को हमारे खाने में कुछ होता है स्पेशल। तो वो स्पेशल आज नाश्ते में है। ये देखिए, रेहान खा रहा है नाश्ते में कचौड़ी। रेहान नहा धो के रेडी हो गया है क्योंकि आज उसे सुबह ही जाना है ट्यूशन, तो वो रेडी हो गया है। मैं अभी नहीं नहाई हूँ। हाँ, मैंने हाथ मुँह धो लिया है क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, घर की क्लीनिंग करनी है, उसके बाद इनके लंच के बारे में भी देखना है। तो हम कर लेते हैं फटाफट नाश्ता। और तो नाश्ता मेरा हो गया है और अब मैं कर रही हूँ झाड़ू पोछा। झाड़ू मैं लगा चुकी थी, अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। तो फटाफट क्लीनिंग ख़त्म करते हैं, उसके बाद खाना भी बनाना है। अभी गुलशन शेविंग कराने गए हैं और रेहान को अभी जाना है ट्यूशन। ट्यूशन उसे अभी नहीं, 11 बजे जाना है। तो वो अपना होमवर्क ख़त्म कर रहा है, तब तक मैं अपना पोछा लगा लेती हूँ फटाफट से। ये देखिए, होमवर्क ख़त्म कर रहा है ये अपना। कितने ध्यान से कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा सबसे मुश्किल काम घर की क्लीनिंग वो हो चुका है ख़त्म। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अब मुझे बनाना है लंच। लंच में आज मैं बना रही हूँ गुलशन की फेवरेट सब्जी और वो है आलू मटर। आप लोग सोच रहे होंगे आलू मटर में इतना खास क्या है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन उनको बहुत पसंद है। आप एक तरफ कोई भी बहुत ही अच्छी खाने की चीज़ रख दीजिए और दूसरी तरफ रख दीजिए आलू मटर, गुलशन आलू मटर ही खाएंगे। चलो तो बनाते हैं आलू मटर उनके लिए। तो हम बनाना शुरू करते हैं फटाफट से आलू मटर। तेल डाल देते हैं थोड़ा सा, और तेल के गर्म होते ही थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ और हींग भी डाल देती हूँ यहीं थोड़ी सी। और अब फटाफट प्याज डाल देते हैं, मिला देते हैं इसको अच्छे से। और मैंने 3 हरी मिर्च भी डाली है यहाँ पे काट के, और लहसुन तो मैं आपको पता ही है, थोड़ा सा पीस के डाल देती हूँ यहाँ। मिला देते हैं इसको अच्छे से। 1 मिनट इसको भूनने के बाद इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे। ये देखिए, टमाटर भी हम डाल देते हैं। टमाटर डाल के थोड़ा सा इसको पका लेते हैं। और अब मैं गैस को थोड़ा स्लो कर देती हूँ क्योंकि इसमें डालने हैं मुझे सूखे मसाले सारे। सबसे पहले मैं यहाँ डालूँगी नमक, जो कि टमाटर को पकाने में हेल्प करेगा। नमक डाल देती हूँ और ढेर सारी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। बस मिला देते हैं सारे मसालों को। टमाटर को मैं यहाँ अच्छे से मैश कर लेती हूँ, अच्छी लगती है सब्जी ऐसे, टमाटर अच्छे से मैश हो जाते तो आलू मटर। तो हम सब्जी भी डाल देते हैं यहाँ पे अच्छे से। 1-2 मिनट इसको भी पका लेंगे हम मसालों के साथ, सब्जी को भी अच्छे से। ऐसे भुनने से सब्जी अच्छी बनती है। और मैं यहाँ 1 गिलास भर के पानी डाल रही हूँ, ये थोड़ी तरी वाली अच्छी लगती है सब्जी। अब मैं कर देती हूँ कुकर को बंद। अब हम गैस को फुल कर देते हैं और मैंने यहाँ लगा लिया है फटाफट से आटा। सब्जी बन चुकी है, मैं इसको साइड में रख देती हूँ और अब हम रोटियाँ बनाने की तैयारी करते हैं। तवे को मैं थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, स्लैब तो मैं पूरा टाइम क्लीन कर दी ही रहती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। ये रोटी बनाने का काम मुझे बड़ा बोरिंग सा लगता है, बाकी काम मैं सभी कर लेती हूँ। ज़्यादातर मैं रोटी बनाते वक्त ना फ़ोन में कुछ ना कुछ चला के रख लेती हूँ जिससे मुझे बोरियत ना लगे। पता नहीं क्यों रोटी बनाना मुझे बहुत ही बोरिंग काम लगता है। अब मुझे वीडियो शूट करनी होती है तो मैं फ़ोन में कुछ चला भी नहीं सकती हूँ, तो मैं इतना दिखाती भी नहीं हूँ रोटी बनाते हुए वीडियो में, बस थोड़ा सा ही दिखाती हूँ।
फिर उसके बाद मैं फोन में कुछ ना कुछ चला के रख लेती हूँ या किसी के पास फोन कर लेती हूँ। ये देखिए सब्जी बन गई है और रोटी अभी सारी नहीं बनी है, मैंने अभी रिहान की बना के उसको डाल देती हूँ क्योंकि उसे भूख लगी थी। ये देखिए टेबल लेके रेडी बैठा है, मैंने इसको दे दिया है खाना। उसके बाद मैंने भी अपने लिए डाल लिया था, ये मैं रिहान का फोन लेके बैठी हूँ क्योंकि मेरा फोन तो बिजी है वीडियो के लिए। हाँ अब धो लेते हैं फटाफट बर्तन। चलो काम हुआ फिनिश, अब मैं थोड़ा सा किचन को भी क्लीन कर लूंगी। कितना अच्छा लगता है ना काम जब खत्म हो जाता है, लास्ट में बस थोड़ा सा किचन क्लीन करके मैं अब थोड़ी देर आराम करूंगी क्योंकि उसके बाद मुझे थोड़ा वीडियो एडिटिंग का भी काम करना है। ये मेरी किचन हो गई है क्लीन, ग्लव्स उतार दिए हैं मैंने, अब मैं आराम करूँ। फ्रेंड्स अभी बजे हैं शाम के 6:30 और मुझे धोने थे कपड़े, तो हम मैं और रेहान दोनों आ गए हैं छत पे। रेहान खेल रहा है और शाम को मुझे वैसे भी छत पे आना अच्छा लगता है, मौसम थोड़ा अच्छा हो जाता है, धूप कम होती है, तो पूरे दिन हम अंदर ही रहते हैं तो शाम को अच्छा लगता है बाहर आके। तो मैं यहाँ धो रही हूँ कपड़े, ये देखिए कुछ धुल रहे हैं और कुछ अभी एक बकेट बाकी है, कपड़े बहुत सारे हैं तो धोते धोते मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा एंड लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।